तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री फार्म मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया हुआ था कि एक मुर्गा एक दिन में कितना फीड खाता है, तो उसी टॉपिक पे हमने आज बात करने वाले हैं और इसमें मेडिसिन सारा खर्च आपको बताने वाले हैं जो एक दिन का पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, जब पोल्ट्री रेट के अनुसार आप फार्मिंग करते हैं तो इसमें एक दिन दो दिन या एक सप्ताह रोकना पड़ता है बर्ड को, तब जाके आपको उसी प्रकार से फीड भी आप तो फीड जो हम लगाते हैं वहाँ पे फार्म में, तो वो एवरेज कैसे निकाले। देखिए, एवरेज निकालना सिंपल है। जैसे कि हमने आज जितने भी बैग लगाए, जितने भी मतलब हम जैसे मान लीजिए 1000 रखे हुए हैं, 2000 बर्ड रखे हुए हैं, 3000 रखे हुए हैं, तो इससे निर्भर करता है कि पोल्ट्री रेट क्या होने वाला है, हमें कितना दिन बर्ड को रखना है, मतलब अपने फार्म में कितना, दो दिन रखे या एक सप्ताह रखे या दो सप्ताह रखे, एक लिमिट आप अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। तो उसमें मेन रहता है क्या कि बर्ड कितने फीड खाएंगे। तो देखिए, प्रतिदिन बर्ड कितने फीड खाते हैं, तो नॉर्मली अगर बात किया जाए तो ऐसे देखते हैं तो हम लोग 80 से 100-108 ग्राम तक भी बर्ड खाता है, जो कि जैसे कि हमें पोल्ट्री रेट जैसे कि हमने बताया है उसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको 80 से 100 ग्राम 108 ग्राम हार्डली पर बर्ड प्रतिदिन फीड लेता है। और मेडिसिन का बात करें तो मेडिसिन में नॉर्मली खर्चा, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल खर्चा क्या होता है, वो मेडिसिन में नॉर्मल खर्चा, और उसके बाद तो यही कुछ जो डिटेल था वो हमने आपको बता दिया है। और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ऐसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। पोल्ट्री रिलेटेड वीडियो आपको पर डे मिलते रहेगा रोज़ाना की तरह, और कोई भी आपके पास क्वेश्चन है पोल्ट्री रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। और कल का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 500 बर्ड में कितना खर्च आता है अगर हम मुर्गा पालते हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पे। धन्यवाद।